आज का व्लॉग रात के 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, तो देख सकते हैं वहाँ पावर पॉइंट है और जो घर का होता है, और ये इन्वर्टर बैटरी जो मेन एंट्रेंस के दरवाजे के पीछे है, और कितना ऑड दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। अभी घर हम इस घर में आए हुए हैं, और उसके बाद ये एक फ्रिज है साइड में रखा हुआ है, और किचन देख सकते हैं। और मैं आज ही आई हूँ मतलब रांची से गोरखपुर, तो अभी मेरे को टाइम भी नहीं हो रहा है। और ये एक किचन का स्लैब है, बस सिंगल स्लैब ही है, और इस मॉडलर किचन है लेकिन स्लैब सिंगल ही है, और ऊपर कबर्ड है। और ये कबर्ड का जो मैं आपको हैंडल है दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितना जंग लगा हुआ है, लेकिन इसका कुछ किया नहीं जा सकता, हमें इसके साथ ही मैनेज करना होगा। मैं थोड़ा बहुत क्लीन करके देखूँगी, अगर साफ़ हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं मैनेज कैसे ही करूँगी। और ये सिंक जो देख सकते हैं कितना ब्लैक है, बर्तन रखने वाला जो जाली है इसमें पूरा जंग लगा हुआ है, मतलब बहुत ही बुरी हालत में है हमारा किचन। लेकिन थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं बस ये दिखा रही हूँ कि आज जो हमें घर मिला है वो कैसा है, और कितने ही बुरे कंडीशन में कुछ कुछ चीज़ें हैं। अभी सिर्फ वाइट वॉश वगैरह हुआ है, मतलब पेंट वगैरह, और अभी घर में सामान ला के सिर्फ रखे हुए हैं, और मैंने अभी कुछ भी सेटल वगैरह नहीं किया है, सब कुछ फैला हुआ है, क्योंकि मैं अभी आए हुए ही मेरे को 2 से 3 घंटे हो रहे हैं। और ये कार्डबोर्ड है जिसमें कुछ कुछ सामान है, ग्रॉसरीज वगैरह जो आसू ने खोल रखा है पहले से ही, और डाइनिंग टेबल लॉक की जो, और किचन के आइटम्स हैं, इधर का सारा एरिया भरा हुआ है, क्योंकि किचन का आइटम सबसे पहले हमें निकालना है। तो हमने किचन के जो डब्बे वगैरह हैं, कार्डबोर्ड वगैरह, वही खोले हैं ताकि यूज कर, देख सकते हैं कि बाहर भी एकदम अंधेरा है। और ये सामने एक बड़ा सा डोर है, काउच वगैरह सोफ़ा वगैरह भी साइड में रखा हुआ है। और जो बड़े वाले सोफ़े हैं ना, उसको ट्रक में चढ़ाते समय उसके पैर टूट गए थे, तो वो हमने अभी नहीं रखा है, उसको कारपेंटर भैया को बुलाया है, आएंगे तो उसे रिपेयर करेंगे, फिर हम इसे लिविंग रूम में रखेंगे, लेकिन कैसे रखेंगे भी समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ साइड में गार्बेज रखा हुआ है, तो मैं एक बड़े से कार्डबोर्ड में ही थोड़े बहुत जो गार्बेज निकल रहे हैं वो मैं रख रही हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल ब्लॉग इन एंड ड्रीम्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं पहुंच चुकी हूं गोरखपुर, और गोरखपुर पहुंचने के बाद हालात देख सकते हैं आप, पूरा सामान से भरा हुआ है। तो मैंने रात को ही, मतलब कल रात को आई थी, तो बॉक्सेस वगैरह कुछ कुछ खाली कर चुकी हूँ। और अभी हमें घर छोटा क्वार्टर मिला है, थोड़ा टाइम बाद हमें बड़े क्वार्टर मिलेंगे, लेकिन अभी 6-7 मंथ इसी में रहना है, तो इस घर को भी अभी अरेंज करना है। देख सकते हैं कि अभी सारे सामान वगैरह ऐसे ही फैले हुए हैं, अभी कुछ भी हमने अरेंज वगैरह नहीं किया है, कुछ भी, सब कुछ अभी गंदगी, यहाँ तक कि हमने अभी मेड भी नहीं रखा है। पूरा हमारे घर का हालात देख सकते हैं, सभी जगह गंदे कचरे, ये अभी गार्बेज, अभी जो सामान अनपैक हो रहा है तो बहुत सारे कचरे वगैरह भी निकल रहे हैं, कार्डबोर्ड वगैरह। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। सबसे पहले मैं अपना बेडरूम दिखाती हूँ, तो बेडरूम में देख सकते हैं आंसू ने बेड को साइड में रख दिया है, और ये पूरा स्पेस तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बेड ऐसा कंजेस्टेड टाइप्स दिख रहा था, तो मैंने सोचा पहले रूम को ही थोड़ा ठीक ठाक हालात में कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कर्टेन निकाल लेती हूँ, कि कर्टेन बहुत भरा भरा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि कर्टेन हटा के थोड़ा सा डस्ट वगैरह तो हो ही जाता है विंडो पे, मैं डस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इसके बाद मैं कर्टेन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगी। तो ये घर पेंट होने के बाद जैसा कि हमें मिल गया है, तो डस्टिंग वगैरह तो किसी ने किया ही नहीं है, बस झाड़ू पोछा करके आंसू ने किसी लेबर को बुला के और करवा लिया था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है घर में। अभी हमने मेड वगैरह भी नहीं रखा है, तो सबसे साइड में एक ब्लैकआउट कर्टेन लगाऊंगी, बीच में नेट वाली कर्टेन, और फिर एक ब्लैकआउट कर्टेन लगा दूंगी। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था इसलिए मैं लगा रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए लगा दी हूँ, हो सकता है मुझे बाद में अच्छा ना लगे तो मैं चेंज भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस घर सेट करना है। तो थोड़ा बहुत और मैं कोई रूम मेकओवर का व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बाद में करूँगी। और ये बेड को मुझे सेंटर में लाना था, तो मैं काफ़ी स्ट्रगल के बाद इस बेड को भी सेंटर में कर दी हूँ, और काफ़ी मेहनत लगता है बेड को सेंटर में करने में, क्योंकि काफ़ी बेड हेवी होता है। और ये विंडो एक साइड में दिया था, किस लिए दिया था मुझे नहीं पता, लेकिन इस विंडो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन अब सिंगल विंडो है तो इसको तो मैनेज करना है। इसके साथ इसको भी मैं थोड़ा सा कर्टन निकाल कर डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर ये जो नेट वाला कर्टेन है इसको मैं साइड में लगा दूंगी, ताकि रूम में थोड़ी थोड़ी हल्की सी रोशनी है, देखने में अच्छा लगता है रोशनीदार, दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बच्चे भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प किए जा रहे हैं।
और कल रात को हम जब आए थे तो हमने मतलब हम बेड पे बिना बेडशीट और बिना पिल्लो कवर के ही सोए, मतलब बिना पिल्लो का। तो हमें बॉक्स से आशू ने कुछ भी निकाला नहीं था क्योंकि बॉक्स की चाबी वगैरह उनको शायद नहीं मिल रहा था इस वजह से। तो मैं निकाल तो दी हूँ बेडशीट वगैरह, लेकिन जिस बेडशीट को निकाली उसका कवर नहीं, जिसका कवर है उसका बेडशीट नहीं, ऐसे करके निकला। साइड में मैंने बेड साइड टेबल भी रख दिया, तो बेड साइड टेबल से ना एक रूम का अलग ही लुक नज़र आता है जो साइड में रखा। तो यहीं पे बेड साइड टेबल रखा हुआ था, मैंने बेड साइड टेबल को बेड के साइड में रख दिया और यहाँ पे मैं अपना ड्रेसिंग टेबल जचा रही हूँ जस्ट बाथरूम के बगल में। फिर मैं आ चुकी हूँ दूसरे रूम में और देख सकते हैं कि लगेज से भरा पड़ा है। यहाँ पे कम से कम 10 से 15 लगेज हैं एक दूसरे के नीचे ऊपर भरे पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे इसको मतलब खोलूँ, अनपैक करूँ और कहाँ रखूँ, क्योंकि एक ही कबर्ड है, दोनों रूम में एक एक है और दो ही रूम है हमारे पास, और थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा। और साइड में एक बॉक्स भी है, उसमें भी सामान है, मुझे कैसे मतलब रखूँगी कपड़े वगैरह समझ नहीं आ रहा है। देखती हूँ इसको क्या करना है। और उधर में और फिर मैं दिन में बैठ चुकी हूँ, थोड़े बहुत कपड़े जो डेली यूज के, अभी मैंने बैग से कुछ भी कपड़े नहीं निकाले हूँ, जो मैं जब रांची से लेकर आई हूँ या आंसू के पास पहले से थे वही कपड़े मैंने जचाने का निर्णय लिया है। तो चलिए इसको जचाते हैं। और कबर्ड का हालत तो देख ही सकते, सिर्फ ऐसे ही रखे हुए सामान, दूसरा दिन ही है। तो इस वजह से तो मैं भी आज तो कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, बस मैं थोड़ा बहुत जो भी कर रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ कपड़े फोल्ड वगैरह कर लिया है जो बाहर थे, इसी को मैं सिर्फ रखूँगी। आप नहीं दिख रही हो अभी भी नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं दिख रही हो। हेलो गाइस, मैं दिख रही हूँ क्या? दिख रही हूँ और इस तरह के बास्केट मेरे पास बहुत सारे हैं जिसमें मैं हैंकी, बच्चों के अंडरगारमेंट्स और सॉक्स वगैरह रखती हूँ, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है और हमें सुबह में ना ये सारी चीज़ें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वरना बच्चे जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है सामान और कपड़े ढूंढने में। बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं क्योंकि अभी बच्चों का एडमिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए बच्चे अभी हमारे साथ घर को थोड़ा सा सेट करने में हेल्प कर रहे हैं घर में ही। वापस मैं आ चुकी हूँ गैराज में और देख सकते हैं हमारी गैराज की हालत कितनी बुरी स्थिति में है। और कार्डबोर्ड इतने सारे हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कि किसी का सामान ही दिख रहा था बाहर से मतलब गैराज के अंदर। तो हमने सोचा है कि थोड़ा बहुत इस यहाँ का सामान ऑर्गेनाइज करेंगे और सामने से देखने में भी गैराज भी थोड़ा ठीक ठाक लगे। और जितने कार्डबोर्ड फट गए हैं या टूट गए हैं तो सारे भैया साइड में निकाल रहे हैं, गार्डन वाले भैया, ताकि उसको झाड़ू दे देंगे और मतलब थोड़ा सा हम लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।